अभिषेक सर, मैथमेटिक्स बाय अभिषेक सर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ट्वेल्थ क्लास का मैं बेसिक दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि डिफरेंशिएशन के जो मैंने बेसिक दो वीडियो अपलोड किए हैं वो आप लोगों को समझ आया होगा। बिल्कुल, मैंने चेन रूल बेसिक क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं रिमाइंड भी करवाना चाहता हूँ। मैंने रूट वाले क्वेश्चन करवाए थे, जैसे रूट था हमारा अंडर रूट साइन एक्स, तो मैं सिखाया था आपको इसको डिफरेंशिएट कैसे करना था। पहले रूट मिल रहा है, पहले रूट वाले को डिफरेंशिएट करना है। रूट वाले का डेरिवेटिव क्या होता था, तो आपको बताया गया था रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1/2√x। देखो बच्चों, चेन रूल किसी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, बस जितना मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है अभी तक, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है जहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पावर सिर्फ और सिर्फ 1 होते थे, चाहे वो रूट के अंदर था या ई का पावर था, एक्सपोनेंशियल थे, चाहे लॉग के साथ थे, कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पावर 1 के अलावा कुछ भी नहीं था। एंगल कुछ भी होता था चलेगा, बट आज के वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पावर चेंज करूंगा, 1 के अलावा कुछ भी डालूंगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। फिलहाल मैंने सिखाया था आपको कि रूट मिला तो पहले रूट, रूट का डेरिवेटिव होता है जी 1/2√1, वापस पुरानी बातें एक बार डिस्कस कर लेते हैं, 1/2√, एंड रूट के अंदर हमारे पास है जी साइन एक्स, तो मैंने कॉपी किया था यहाँ साइन एक्स। आगे मैं चलता था, रूट के बाद किसकी बारी आई, साइन एक्स की, एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, कॉस एक्स। ये रूट से रिलेटेड, एक दो वापस थोड़ा सा दो दिन का गैप मिला बीच में, मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं ये सब सेटअप कर रहा था आप लोगों के लिए। आपके कमेंट आ रहे थे, सर प्लीज तरीके से थोड़ा बोर्ड पे क्लास लो, मैं कहा ठीक है भाई, तो थोड़ा सा लेट हो गया बच्चों, उसके लिए सॉरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन वापस, मैं ये पुरानी वीडियो की ही मैं बात कर रहा हूँ, पुरानी वीडियो वाले क्वेश्चन ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, नया टॉपिक अभी 2 से 3 मिनट के अंदर स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या मिलता था यहाँ, रूट, एंड रूट का डेरिवेटिव आपको सिखाया गया था 1/2√1/2√, जितना भी है वो कॉपी, ये सारे के सारे इस रूट के अलावा, आपने रूट को डिफ्रेंशिएट किया और लिखा 1/2√, जितने भी हैं ये सारे के सारे कॉपी। तो क्या है मेरे पास, मेरे पास है जी साइन अंडर रूट साइन एक्स, ये मैंने कॉपी कर लिया, रूट का काम कंप्लीट किया। नंबर टू मैं आगे बढ़ता था, मुझे साइन मिलता था, एंड साइन का डेरिवेटिव होगा जी कॉस। जो कुछ भी आप देख पा रहे हो इससे आगे वो आपको कॉपी करना है। तो कॉस के बाद आप क्या देख पा रहे हो, साइन को आपने डिफ्रेंशिएट किया कॉस, और कॉस के बाद क्या हमारे पास, अंडर रूट साइन एक्स। आगे चलते थे हम लोग, आगे चलने के बाद वापस मुझे मिला रूट, एंड रूट का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/2√, और हमारे पास कॉपी करने के लिए क्या है, साइन एक्स। एंड फाइनली जब मैं लास्ट चलता था, लास्ट में हम लोगों को मिला साइन एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो ये सब बातें मैंने पुराने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। बट आज का जो हमारा टॉपिक है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पावर, रेशियो भी मैंने आपको डिस्कस किया था, अगर मैं साइन एक्स लिखता हूँ, इसके दो पार्ट हैं, एक साइन और दूसरा कॉस, तो आपको साइन वाले पार्ट को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलता हूँ, एंड एक्स हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है। तो एंगल का पावर कुछ भी हो, डिफरेंशिएशन को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पावर चेंज हुआ, परेशानी में पड़ जाओगे बच्चों। ध्यान से देखना, ये वाला टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ये इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है ये। तो मेरे पास पहला टॉपिक है d/dx, और मैं डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ साइन की पावर 5x को, साइन की पावर 5x को। पहले बिल्कुल इसके प्रोसेस को समझाऊंगा, कैसे इसको डिफरेंशिएट करना है। जब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पावर 1 के अलावा कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, इसके बाद मैं थोड़ा सा एक दो स्टेप आपके बचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, ये हर बच्चों को पता है, टेंथ क्लास में सीख चुके हो, साइन की पावर 5x है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ साइन एक्स होल की पावर 5। ये हर बच्चे को पता है, बहुत बड़ी बात नहीं। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, पावर हमारा कांस्टेंट है, पावर यहाँ हमारा क्या है, पावर है जी हमारा कांस्टेंट, पावर है हमारा कांस्टेंट, और बेस, बेस यानी साइन एक्स बेस यानी साइन एक्स, तो साइन के साथ अगर एक्स लगा हुआ है, इसका मतलब बेस हमारा वेरिएबल है, बेस हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल से रिलेटेड आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, याद करो 11th क्लास का फर्स्ट फॉर्मूला, एक्स की पावर एन, ये बेसिकली हमारा कांस्टेंट का पावर वेरिएबल ही है, एक्स इज कांस्टेंट एंड एन इज वेरिएबल, एक्स इज वेरिएबल एंड एन इज कांस्टेंट, एन हमारा कांस्टेंट है, एक्स हमारा वेरिएबल है, और इसका फॉर्मूला आपको पता था, होता था एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। उसी तरीके से मैं ये बोलूंगा इस साइन एक्स को मैं फिलहाल एक्स की तरह समझूंगा, एक्स की पावर 5, अगर मेरे पास एक्स की पावर 5 है तो मैं बोलता 5x की पावर 4, 5x की पावर 4। x आपने किसको समझा था,
साइन एक्स को, तो एक्स के प्लेस पर आपको साइन एक्स लिख देना है, कोई काम नहीं करना है। तो जब भी पावर आता है, होल का पावर आया, तो सबसे पहले आपको पावर का काम करना है, फिर आप बेस की तरफ जाते हो, फिर आप एंगल की तरफ जाते हो। कहीं ना कहीं से आप बोल सकते हो यहाँ पावर, बेस और एंगल के सीरीज में चलना है। कब? जब जब होल का पावर मिले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पावर 1 के अलावा कुछ भी हो। मैंने पहले पावर का काम किया, अब मैं जैसे ही बेस की तरफ जाता हूँ, तो बच्चों बेस में क्या दिख रहा है मुझे? तो बेस में दिख रहा है जी साइन एक्स, बेस में दिख रहा है साइन एक्स, एंड साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। पहले मैंने पावर का किया, मेरी बात को फिर से समझना, पहले मैंने पावर का किया, फिर मैंने बेस का किया, एंड योर फाइनल आंसर इज, आप इस आंसर को ऐसा बोल सकते हो, 5 साइन की पावर 4 एक्स इंटू कॉस है। लेकिन इतना तिगड़म कुछ नहीं करना, सीधी सी बात को देखो मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। मेरे पास क्वेश्चन, वापस मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, अपने पास क्वेश्चन है जी साइन की पावर 5x का डेरिवेटिव क्या होगा। सबसे पहले आपने देखना है पावर है, हाँ जी पावर है, पावर को आगे लाना, एक पावर कम कर देना, पावर को आगे लाया एक पावर कम कर दिया, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, पावर को आगे लाया एक पावर कम कर दिया। इस पावर को अब आपको अपने दिमाग से डिलीट कर देना बच्चों, पावर कैंसिल, बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा जी, जैसे ही पावर कैंसिल क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा जी साइन एक्स, पावर को दिमाग से इरेज करो, साइन एक्स बचा, एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? कॉस एक्स। योर आंसर इज 5 साइन की पावर 4x इंटू कॉस एक्स। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मजा नहीं आया, आ जाओ मैं ऐसा लेता हूँ 10 की पावर 9 और x की पावर 25, थोड़ा सा चेंज किया है, घबराने वाली बात नहीं है। पहली बात, कौन से पावर पर आपका दिमाग जाना चाहिए? हमेशा आपको रेशियो का जो पावर है पहले उसको देखना है, ना कि आप 25 देखोगे, हमेशा रेशियो के पावर को देखना। पावर है, अभी सिखाया, पावर को सबसे आगे लाना और एक पावर, पावर को सबसे आगे लाना और एक पावर कम कर लेना, एक पावर कम कर लेना, 9 से मैंने लिखा 8, और जो कुछ भी है मेरे पास मैं कॉपी कर रहा हूँ, क्या है मेरे पास? x की पावर 25, पावर को आगे लाया एक पावर कम कर दिया और बाकी सारा का सारा कॉपी। अब आपने अपने दिमाग से इस वाले पावर को इरेज कर दो जी, इस वाले पावर को दिमाग से इरेज कर दो, फिलहाल इरेज किया है। अब 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? तो 10 का डेरिवेटिव ऐसा सीख चुके हो, अब 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, आगे वाला सारा का सारा कॉपी, आगे वाला सारा का सारा कॉपी, मीन्स x की पावर 25 कॉपी, क्लियर। अब मैं आगे चलता हूँ, इसके बाद 10 की कहानी कंप्लीट हो गई, मुझे क्या मिला आगे? x की पावर 25, ये आप बेसिकली पहले दो वीडियो में कर चुके हो, और x की पावर 25 का डेरिवेटिव 25 x की पावर 24 इज योर फाइनल आंसर। वापस मैं क्वेश्चन पहले की तरह, पहले जो लिखा हुआ था मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन क्या था हमारा? 10 की पावर 9 x की पावर 25। एक दो एग्जाम्पल और मेरे साथ आराम से देखो, ये डिफ्रेंशिएशन का वैसा पार्ट है जहाँ मैक्सिमम बच्चे गलतियाँ करते ही करते हैं बच्चों, तो देखो ध्यान से। मैं अनदर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, साइन की पावर 8 एक्स की पावर 13, कुछ नहीं है। सबसे पहला काम क्या है? मैंने पावर को देखना है, पावर मेरे पास क्या है जी? 8, मैं 8 को आगे लाता हूँ, एक पावर कम कर दिया, बाकी सारा कॉपी किया, 8 को आगे लाया, एक पावर मिनिमम किया, छोटा किया, एक पावर कम किया, बाकी सारे के सारे चीज़ को मैं कॉपी कर रहा हूँ, आराम आराम से देखना। अब बच्चों मैं पावर को गायब कर रहा हूँ, पावर को गायब किया, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह का हो गया, और ये आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव सबसे पहले कौन सा मिल रहा है हम लोगों को? साइन, एंड आपको पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? कॉस, आगे वाला कॉपी करते हैं। ये वीडियो तभी समझ आएगा जब आप इससे पहले वाले दो डिफरेंशिएशन के वीडियो को देख चुके होंगे, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। और साइन के बाद जब मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, x की पावर 13, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जी 13 x की पावर 12। आ जाओ अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 इंटू 13 104 x की पावर 12 को आगे लिखा, और बाकी सारे टर्म साइन की पावर 7 x की पावर 13 इंटू कॉस ऑफ x की पावर 13। क्वेश्चन क्या था हमारा? वापस मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन था हमारा साइन की पावर 8 x की पावर 13। एक दो एग्जाम्पल और मेरे साथ देखो, मैं लिख रहा हूँ जी डी अपॉन डी एक्स साइन की पावर 5 10 की पावर 7 x की पावर 9। बहुत ही प्यार से देखना बच्चों, और आराम आराम से देखना, वीडियो को रोक कर देखो,
जल्दीबाजी नहीं करना, और प्लीज़ मेरे मैथ्स के वीडियो में पेन और पेपर अगर आपके हाथ में रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप मैथ सीख पाओगे। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ मेरे पास पावर क्या है जी, तो मेरे पास पावर है 5, तो 5 को आगे लाया, एक पावर कम कर दिया। जिसका पावर 5 था उसका ही पावर कम करना है, बाकी सबके पावर कम नहीं करने हैं। तो 5 को आगे लाया, एक पावर कम किया, बाकी सारे के सारे टर्म को मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, मैंने सारे के सारे टर्म को कॉपी कर लिया। अब इस फिलहाल मैं इस 5 को दिमाग से हटा दे रहा हूँ आपके सामने, ये आपके पास है नहीं, 5 गायब हो गया बेटा। अगर 5 हमारा गायब हो गया तो मैं अब किसको डिफरेंशिएट करूंगा, अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा जी साइन को। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, बिना पावर वाला है ध्यान रखना है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन हो जाएगा ये कॉस, सारा आगे का आगे जो आप देख रहे हो सारा आप कॉपी करो, 10^7 एक्स की पावर 9, साइन को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, भूलता जा रहा हूं मैं पीछे क्या था हमारे पास नहीं था, अब मैं साइन के बाद मैं आगे चलूंगा तो साइन के बाद आगे मुझे क्या मिल रहा है, देखो आप ध्यान से, यहाँ साइन के बाद मुझे मिल रहा है 10, बट जैसे ही मैं 10 देखता हूँ 10 का मुझे पावर दिखाई दे गया जी, जैसे ही मैं 10 देखता हूँ मुझे 10 का पावर दिखाई दे गया, और पावर क्या है इस बार 7। तो पहले करना है पावर को, मैं लिखूंगा 7 और 10 के ऊपर ये पावर था तो एक पावर 10 के ऊपर कम किया और बाकी सारा का सारा कॉपी किया। वापस मैं इस पावर को इरेज कर रहा हूँ, अब मेरे पास क्या बच गया भाई, 10 बच गया, एंड डेरिवेटिव ऑफ 10 आपको पता है क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ 10 होता है sec स्क्वायर, आगे वाला कॉपी, आगे क्या था मेरे पास x की पावर 9, एंड फाइनली लास्ट था मेरे पास x की पावर 9, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों 9x की पावर 8। मैं क्वेश्चन को वापस पहले की तरह लिख रहा हूँ, ये था हमारा साइन की पावर 5 और ये था हमारा 10^8, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था हमारे पास, सॉरी 10^8 नहीं, ये हमारा था 10^7, ये हमारा था 10^7 एक्स की पावर 9, 5 साइन 4 10 एक्स की पावर, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन था हमारा। ये मैं इरेज आपको समझाने के लिए किया था, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखो, वापस मैं देखो इसको रिपीट कर रहा हूँ, पहले मुझे पावर मिला, मैंने पावर का किया, एक पावर कम, 5 साइन की पावर 4 10 की पावर 7 एक्स की पावर 9, सब कुछ फिर दिमाग से पावर को हटाना है जी, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस लिखा, बाकी सारे के सारे आगे वाले टर्म मैंने कॉपी कर दिए। वापस मैं चलता हूँ टेन के पास, तो टेन थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ, वापस मैं चलता हूँ जी टेन के साथ, थोड़ी सी अभी परेशानी भी हो रही है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो इस तरह का वीडियो फर्स्ट टाइम मैं इस तरह के वीडियो पर काम कर रहा हूँ। तो टेन का डेरिवेटिव यहाँ क्या होगा हमारा, यहाँ टेन का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर, बट 10 का पावर था, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता, बट 10 का पावर था इसलिए पहले मैंने पावर को किया 7 × 10 sec की पावर 6 x की पावर 9, पावर का काम किया, फिर पावर से नीचे आता हूँ 10 मिलता है, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x की पावर 9, और लास्ट में x की पावर 9 का डेरिवेटिव 9x की पावर 8। मैं आखिरी क्वेश्चन इस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ और फिर अगले वीडियो से हम लोग कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, d अपॉन dx sec की पावर 5 x की पावर 9, sec की पावर 5 x की पावर 9। पहले की तरह मैं जैसे ही चलता हूँ sec के पास तो मुझे पावर मिला और पावर का डेरिवेटिव क्या होगा 5 sec की पावर, एक पावर कम करना बच्चों, बाकी सारा का सारा कॉपी किया। ठीक है, यहाँ तक पावर का काम कंप्लीट किया, मैं पावर को इरेज कर रहा हूँ, समझाने के लिए इरेज कर रहा हूँ आप लोगों को। अब मुझे मिलता है sec और sec का डेरिवेटिव sec का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, sec का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x होता है, sec x इंटू tan x होता है, बट sec के लिए x का काम कौन कर रहा है, sec के लिए x का काम कर रहा है x की पावर 9, तो हर दोनों जगह आपको क्या लिखना है x की पावर 9, sec का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x और x हमारा क्या था x की पावर 9। आगे चलता हूँ क्या मिला x की पावर 9 और ये हो जाएगा आपका 9x की पावर 8। योर फाइनल आंसर 5 और 9 की मल्टीप्लाई कर दो आप, 5×9 = 45 एक्स की पावर 8 sec की पावर 4 x की पावर sec की पावर 4 x की पावर 9, वापस sec x की पावर 9 इंटू tan ऑफ x की पावर 9। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन का जो चेन रूल था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पावर 1, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पावर 1 के इक्वल होते थे, और दूसरा टाइप जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पावर 1 के इक्वल नहीं होता था, ये मैंने आपका कंप्लीट किया। आपने 11th क्लास में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब कुछ किया है, उसके बावजूद भी मैं आपको
स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ूंगा। और प्लीज़ ये मेरा इस तरह का वीडियो आज मेरा फर्स्ट टाइम था, तो थोड़ा सा प्लस और माइनस आपको वीडियो मिल सकता है। इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, डे बाय डे मैं अपने वीडियो की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करूंगा और डेली अब आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहेगा। और उम्मीद करता हूँ टाइम से पहले सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करने का। आप लोग भी मेरा भरपूर इसमें सहयोग दें, साथ दें, और प्लीज़ मैथमेटिक्स बाय अभिषेक सर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों आपके सब्सक्रिप्शन से सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से और आपके कमेंट करने से हम जैसे टीचर को बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा हम जैसे टीचर का जो है वो थोड़ा सा हौसला बुलंद होता है और इच्छा होती है अच्छे अच्छे चीज़ों को लेकर आऊँ YouTube पर आप लोग के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय अभिषेक सर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और क्लास 9th और क्लास 10th के लिए, क्लास 9th और क्लास 10th के लिए विनय सर का चैनल आप YouTube में डालोगे, सबसे ऊपर आएगा इनका, जो कि अभ्यास स्टडीज सेंटर के नाम से है। विनय सर के चैनल को 9th और 10th के वीडियो के लिए विनय सर के चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।